मुन्ना, वहां जो कुछ भी हुआ वो प्रोफेशनल इशू था। तुम्हारा इन पर यूं हाथ उठाना गलत था। चलो सॉरी कहो। सर, हम मिडिल क्लास लोग हैं, छोटी सी बात पर खुश हो जाते हैं, छोटी सी बात पर दुखी। रास्ते में अगर किसी साइकिल वाले से टकरा जाए और वो हमें गालियां दे तो लगता है जैसे इज्जत चली गई। हम जवाब देना चाहते हैं पर दे नहीं पाते, क्योंकि हमारे पीछे परिवार होता है। उन्हें कुछ हो जाए इस डर से चुपचाप वहां से वापस चले आते हैं। कभी उन पर अगर कोई मुसीबत आ जाए यह सोचकर ही मन घबरा जाता है। आपने भाभी को मारने की धमकी दी, मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी। वहां दुनिया के सामने हमें मारा, अब सबसे छुप के सॉरी कह रहा है तो इसे छोड़ दें। ए सुबो, उम्मीद करती हूँ कि हमारी लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी और इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो चलते हैं। उसे ऐसे क्यों जाने दिया भाई, ठोक देते। पूरे शहर को यह पता भी तो चलना चाहिए कि शिवा भाई पे हाथ उठाने का मतलब क्या है। पूरे शहर को बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे। क्या हुआ? एक मिनट, लगता है चाबियां अंदर ही रह गईं। मैं जाकर लेकर आता हूं। वो मर जाएगा तो मैं हार गया। बस एक बंदूक क्या तान दी उसने, सीधा शिवा के ऊपर हाथ उठाया। उसने मेरा ईगो हर्ट किया है, उस औरत को मरना होगा तब मेरी जीत होगी। सर, एक मिनट। बात करनी थी। अभी जो एक्शन हुआ उस पे आपने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया था। इनके चेहरों को देखकर लगता नहीं कि ये मुझे जिंदा छोड़ना चाहते हैं। इसे देखिए कैसे घूर रहा है। मैं तभी समझ गया कि आपका प्लान कुछ और ही है। आप अभी छोड़ देंगे फिर बाद में मार देंगे। बिल्कुल सही गैस किया है, लेकिन मरोगे तुम नहीं, तुम्हारी भाभी। हाथ मैंने उठाया फिर उन्हें क्यों? तेरी गलती की सजा उसकी मौत है, और उसके बाद तू जितना तड़पेगा उसी में मेरी असली जीत होगी। मैंने आपसे कहा ना, मिडिल क्लास लोग परिवार के नाम पे थोड़ा सेंटी हो जाते हैं। ये बात एकदम सच है, लेकिन इस बात का एक और एंगल है। प्रॉब्लम आने के बाद उससे लड़ने से अच्छा है उसके आने से पहले ही तैयारी कर लो। प्याज के दाम 2 रुपए भी कम हो जाए तो हम 4 किलो एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं। कहीं आना जाना हो तो 3 महीने पहले ही टिकट बुक करवा लेते हैं। 50 पैसे पेट्रोल का दाम बढ़ने की खबर पे आधा आधा किलोमीटर लाइन लगाकर रात को 12 से पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं। जहां हम ऐसी छोटी छोटी चीजों में इतना ख्याल रखते हैं तो सोचो जब बात हमारे परिवार की हो तो हम कितना ख्याल रखेंगे। मुझे लगता है आप अपने प्लान्स को पूरा करके ही मानोगे। मैं भी आप ही के जैसा हूं, कोशिश करता रहे, मैं बचाता रहूंगा। बचाता रहेगा? कितने दिनों तक बचाएगा? पॉइंट है तो चल एक टाइम फिक्स करते हैं। ठीक है, आज से तुझे मैं 20 दिन देता हूं। तुझे इतने दिन लग जाएंगे? चल 10 दिन। डील। डील। तो अगले 10 दिनों के अंदर अगर तेरी भाभी मरी तो मैं जीता, और अगर वो जिंदा रही तो तू, हमेशा के लिए तुझे भूल जाऊंगा।
भाई इधर गैस की आवाज आ रही है। हाँ भाई मैं जानता था तुम लोग जरूर आओगे, इसीलिए तुम्हारे स्वागत की तैयारी कर रहा था। गैस पूरा लीक हो चुका है। मेरा जो हो जाए मुझे परवाह नहीं। तुम लोगों के पास सोचने के लिए 10 सेकंड का वक्त है। 1, 2। धमकी देना बच्चों का खेल नहीं। सिलेंडर फटा तो सिर्फ हम नहीं, तुम और तुम्हारी भाभी भी मरेंगे। भाभी को कुछ नहीं होगा रे, सब प्लान कर लिया है मैंने। और जहां तक मेरी बात है, मैंने हमेशा भैया के पैसे खर्च किए, भाभी के हाथों का खाना खाया है, उनके लिए कुछ नहीं किया। आज उनका वो कर्ज भी चुका दूंगा मैं, जान देकर। 5। ए, 3 और 4 कहां गए? नींद आ रही है ना, भूल गया। भाई ये बहुत टेढ़ा लगता है। एक बार जब ये सिलेंडर फटेगा तो यहाँ का तापमान 100 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, तब समझ में आएगा 3rd degree बर्न्स क्या होते हैं। चमड़ी गल जाएगी, खून धुआं हो जाएगा और ऐसा दर्द होगा जैसे एसिड से नहाया हो। मरना आसान होता है लेकिन तड़प तड़प कर मरना बहुत मुश्किल। 6। वैसे मैं बताना भूल गया, तुमने ये जो सोने के चेन और रिंग वगैरह पहने हैं ना, मरने के बाद तुम्हारी लाश की पहचान उसी से होगी, वरना रात के इस वक्त तुम्हारा यहाँ आना कौन सोच सकता है। लावारिस लाश समझ के कहीं फूंक ना दे। 7। ये पागल हमें जिंदा जला देगा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। 8। भाई को क्या बताएंगे? जिंदा बचेंगे तो बताएंगे ना। भाई मैं जाके ऑटो स्टार्ट करता हूँ, ए चलना। 9। मुन्ना, क्या हुआ? गैस लीक हो रही थी भाभी, तो सेफ्टी के लिए लाइट बंद करके दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन अब सब ठीक है। भाई वो बहुत चालाक लड़का है, वो अपनी भाभी के लिए मरने मारने को भी तैयार है। उसे मारना आसान नहीं जब तक मुन्ना वहां है। एक बॉल पे रन ना लेने से मैच खत्म नहीं होता सुबह। सेंचुरी बनाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन विकेट के लिए एक ही बॉल काफी है। परफेक्ट टाइम पे बॉल फेंकना जब वो उसके आस पास भी ना हो। हमें पोल्यूशन कंट्रोल के रूल सख्ती से फॉलो करने होंगे। मैडम की मीटिंग बस आज ही है या कल भी होने वाली है? नहीं, आज ही आखिरी मीटिंग है, उसके बाद वहीं पे आरटीओ ऑफिस। अच्छा अंकल, थैंक यू। हेलो। किसी शिवा के गुंडे यहाँ आए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें कॉल करूं। वैसे इसका चाकू तो बड़ा तेज लग रहा है, पूछो कहाँ से खरीदा। हम भी एक ले आएंगे, सब्जियां आसानी से कटेंगी। अरे मुन्ना, अगर तू यहाँ 5 मिनट में नहीं आया तो इस लड़की के इतने टुकड़े कर दूंगा कि तू पहचान भी नहीं पाएगा कि वो टुकड़े किसके हैं।
चलो रे। ए, क्या हुआ, होश उड़ गए? डोंट वरी, जीतूंगा मैं ही। मेरा टारगेट तो तुम्हारी भाभी है। ये सब तो तेरा ध्यान भटकाने के लिए किया था। अब वहां से अपनी भाभी के पास पहुंचने में तुझे कम से कम 20 मिनट लगेंगे और मुझे बस 5 मिनट। एंड आई एम ऑलरेडी ऑन माय वे। कैसा है तू, अपनी भाभी माँ को अकेला छोड़कर चला गया? सर, आपको यहां से निकलना चाहिए। हमें पता चला है कि आप पर अटैक होगा। अटैक? हाँ? दिमाग खराब है क्या? कौन करेगा मुझ पर अटैक? कॉपरेट कीजिए सर, अगर आपको कुछ हुआ तो पूरे शहर में हंगामा हो जाएगा। प्लीज, आपकी प्रोटेक्शन हमारी ड्यूटी है। किसी ने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन? सब मोबाइल यूनिट्स अलर्ट हो जाइए। खबर मिली है कि शिवा भाई पर कोई हमला करने वाला है। उनकी लोकेशन है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफिस। मैं रिपीट करता हूँ, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफिस। उस एरिया में जितने भी यूनिट्स हैं, अप्रोच इमीडिएटली। तब भाभी से 5 मिनट की दूरी पर थे, अब उनसे 5 सेकंड की दूरी पर हो। दम है तो आगे बढ़ाओ। सर, प्लीज कार में बैठ जाइए। मुन्ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाभी, वो मैं ऑफिस नहीं गए तुम? उन्होंने जो काम दिया था आधे घंटे में ही हो गया, तो सोचा यहाँ चला आता हूँ। तुम हो ही इतने काबिल, दिल लगा के करो तो कुछ भी कर लोगे। मुन्ना, मैं यहाँ हूँ ये तुम्हें कैसे पता चला? वो मैंने महेश अंकल को फोन किया था, उन्होंने कहा आप शाम को मंदिर जाने वाली हैं, तो सोचा आपके साथ चलूं। तो चले चले।